आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी ऑफ सेम मास विद इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड एज वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर्स एंड इफ द लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब ए इज डबल दैट ऑफ बी देन द रेंज ऑफ डेंसिटीज कैन बी मेजर्ड बाय ए इज मोर देन बी, लेस देन बी और इक्वल टू बी। सो हाइड्रोमीटर में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जिसका कोई क्रॉस सेक्शन होता है एरिया ये, ठीक है। उसको अपन किसी लिक्विड में डिप करते हैं और लिक्विड जहाँ तक भी ऊपर चढ़ता है तो वो उसकी डेंसिटी बताया था। तो यहाँ मार्किंग होती है डेंसिटीज़ की, अलग अलग मार्किंग होती है। जितना भी लिक्विड की डेंसिटी होती है उतना लिक्विड क्लाइंब कर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लिक्विड कितना क्लाइंब करेगा वो हाइड्रोमीटर के मास पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड करता है, जो कि सब कुछ सेम दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोमीटर्स के लेंथ का है। ए की जो लेंथ है वो बी की डबल है, ठीक है। सो इसको अपन अगर ए माने और इसको बी, तो अपन देख सकते हैं लेंथ ऑफ ए इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ बी और बाकी सब कुछ सेम है। तो बी में जो मार्किंग होंगी वो भी ए की तरह होंगी, बस ए से आधी मार्किंग्स आ पाएंगी। सो बेसिकली ए की जो रेंज हो जाएगी वो डबल हो जाएगी बी के, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो रेंज भी ज़्यादा होगी, गिवन दैट बाकी सब कुछ सेम है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली रेंज ऑफ ए विल बी मोर देन द रेंज ऑफ डेंसिटीज मेजर्ड बाय बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।